असुरक्षित क्षेत्र माने जाने लगा हजारीबाग रेलवे स्टेशन के समीप रेवाली। आए दिन चोरी, जुआ, शराबियों समेत अय्याशियों का अड्डा। यह सब मामला इस प्रकार प्रकाश में आया जब रेवाली क्षेत्र के निवासी दिवाकर मिश्रा के आवास पर चोरी जैसे घटना को अंजाम चोरों ने दिया। मामला विस्तार में बता दें कि दिवाकर मिश्रा के घर में सोमवार की रात्रि में चोरों के द्वारा लैपटॉप, LCD TV, म्यूजिक सिस्टम, जेवरात समेत नगद रुपए की चोरी की गई। इस संदर्भ में मामला कटकमदाग थाना में दर्ज करवाया गया, लेकिन तत्काल में कोई जांच पड़ताल नहीं हुई है। इस घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक के पास गुहार लगाई गई, तब जाकर प्रशासन ने इस मामले में कमजोरी दिखाते हुए एक दिन बाद घटना की जांच के लिए रेवाली पहुंचे। मौके पर दिवाकर मिश्रा ने जानकारी दिया कि आए दिन लगातार 3 दिनों में 3 घरों में चोरी हुई और देखा जाए तो यह रेवाली क्षेत्र असुरक्षित हो चुका है, लेकिन यह सब समस्या पर प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। अगर प्रशासन की यही रवैया रही तो कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। खबर 365 न्यूज के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। मैं दिवाकर मिश्रा, म्यूजिक डायरेक्टर सरगम ऑडियो वीडियो टेलीविजन से, और मेरा निवास स्थान ये रेवाली परसाटाण में है। और मेरे घर में परसों रात को वेंटिलेटर को तोड़ के चोरी हो गई है। क्या क्या चोरी में सामान है? सामान चोरी, सामान में लैपटॉप है, LCD है, स्पीकर सेट है, कई कपड़े हैं, 20,000 रुपया कैश है, लगभग अटैची है, लगभग 1.5 लाख रुपया का सामान वेंटिलेटर तोड़ के सब उससे ले जाया गया है। इस घटना के बाद प्रशासन को लिखित आवेदन दी गई क्या? प्रशासन को लिखित आवेदन मैंने कल ही दे चुका था, लेकिन प्रशासन अभी अभी आके इंक्वायरी की है, लेकिन इतने देर तक जो है सो कोई इंक्वायरी नहीं हुआ था। क्या लगता है सर आपको, यह पहली घटना या इससे पहले और कभी ऐसा इस मोहल्ले में घटा? नहीं, इससे पहले भी एक दो बार घटना घटी है। इससे पहले भी हमारे घर में कुछ बैटरी और इन्वर्टर की चोरी हुई थी, और अगल बगल भी कई एक दो घरों में चोरी हो चुकी है। प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से ही मांग करना चाहेंगे कि ये जो आसपास का जो भी है मुस्तैदी और पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।